friends, how are you? Hope you are doing good. Fine. So in the previous lecture, we had seen and started off with national income, meaning, और उसका हमने एक tabular expression भी देखा था, right? So आज हम शुरू करेंगे with limitations of national income, ठीक है? चलिए. So what do you mean by limitations? Drawbacks. कि उसमें क्या-क्या खामियां हैं, okay? Fine. So point number one is difficulty in calculating the true national income. मतलब सच्ची national income क्या है, सच्चाई क्या है, ये हमें मालूम करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ेगा. We'll find a lot of difficulties in finding out the true national income, in calculating the true national income, जो हमने थोड़ा बहुत last year भी देखा था. Yes, national income वाले chapter में, ठीक है? चलिए, पहला पॉइंट है, it's difficult to measure national income perfectly because of following reasons. Reason number one, problem of double counting. याद है double counting? एक ही चीज को दो बार count करते थे, उसको बोलते थे double counting. कैसे? Let us understand with the help of an example. मान लीजिए कि आप forest से क्या उठा लाए? Logs. This is a raw material. लेकिन इसका भी ट्रांजेक्शन होगा पहले, क्योंकि रॉ मटेरियल किसी को बेचोगे तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा ना. सो रॉ मटेरियल को जब तुमने मार्केट में बेचा तो पैसे मिले, यस. क्या ये पैसे नेशनल इनकम में रिपोर्ट होंगे, क्योंकि ये किसी की इनकम है, यस और नो? यस. सो दिस ट्रांजेक्शन इज रिपोर्टेड इन नेशनल इनकम, फाइन, बिकॉज बाय सेलिंग दिस समबडी हैज जनरेटेड द इनकम, ओके. Now, the same raw wood is getting converted into furniture. तो क्या ये furniture भी बिकेगा market में? Yes. क्या उसके भी पैसे मिलेंगे? Yes. क्या ये भी national income में report होगा? Yes. तो हो गई ना आपके सामने क्या? डबल काउंटिंग. रॉ मटेरियल बिका तब भी नेशनल इनकम में रिपोर्ट हुआ, फिनिश गुड्स बिका तब भी नेशनल इनकम में रिपोर्ट हुआ, तो ये कौन सी समस्या हो गई? डबल काउंटिंग की समस्या हो गई. सेम थिंग इज काउंटेड ट्वाइस, विच लीड्स टू, एक्चुअली इट इज मिसलीडिंग टू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी केम अप विद वन सॉल्यूशन इन द लास्ट ईयर. That was ignore the transactions of raw material and consider only the transactions of finished goods. लेकिन ऐसा हर जगह possible हो जरूरी नहीं है. So ये एक समस्या है. It's a problem that we are going to face while calculating the national income. Okay? So now we proceed ahead. Point number B, second point, tax avoidance. Third point, tax evasion. बहुत ही भारी भरकम शब्द हैं ये दोनों. एक और शब्द मैं आपके लिए ऐड कर देता हूं और वो है टैक्स प्लानिंग, ठीक है? एक और बार गलती हो गई, देखो सुधरते ही नहीं हम. टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, एक और शब्द मैंने आपको दिया, वो क्या? टैक्स प्लानिंग, ओके. सो दीज थ्री वर्ड्स वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन कि ये तीनों है क्या, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो जरा समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. टैक्स प्लानिंग वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टैक्स प्लानिंग इज समथिंग दैट इज लीगल, समथिंग दैट वी कैन प्लान, समथिंग दैट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ. जैसे मैं जो भी इनकम कमाता हूं उस पर मुझे कोई टैक्स भरना होता है, यस. आप जो मुझे फीस देंगे उस पर मुझे जीएसटी भरना है, और मैं जो इनकम घर लेके आता हूं प्रॉफिट मेरा, उस पर मुझे इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है. बट इनकम टैक्स एक्ट 1961 एनएक्टेड इन 1962, इट टेल्स मी दैट आई कैन मेक पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन माय लाइफ, ऑन माय फैमिली मेंबर्स लाइफ, ऑन माय वाइफ्स लाइफ, ऑन माय पेरेंट्स लाइफ, ऑन माय चिल्ड्रंस लाइफ, ठीक है? इन सब पे, इन सबका लाइफ इंश्योरेंस करवा के मैं क्या पे करूंगा उस पर? इंश्योरेंस प्रीमियम. तो इतने अमाउंट से मेरी इनकम कम हो जाएगी और मुझे इस अमाउंट पे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा.
तो मैं तो वैसा प्लानिंग करूंगा ना, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट खुद सामने से चल के मुझे बोल रहा है कि ये जगह पे तुम टैक्सेस बचा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं बचाऊंगा टैक्स। ये करता हूं मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, टैक्स प्लानिंग बोला गया है। और ये कोई दिक्कत नहीं है इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। दिक्कत शुरू अब होगी, दैट इज फ्रॉम द सेकेंड वर्ड, दैट इज व्हाट, टैक्स अवॉइडेंस। देखो आप उस पिक्चर में क्या दिख रहा है, टैक्स का हथौड़ा आप पे कभी भी पड़ सकता है। जब तक बच सकते हैं बच के निकलो, भागो, भाग गए तो आपका नसीब, अगर पकड़ में आ गए तो भी आप ही का नसीब है, ठीक है। सो टैक्स अवॉइडेंस मींस व्हाट, नाउ अंडरस्टैंड दिस। मैं कुछ ऐसा प्लान बनाकर गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करता हूं जिससे मेरा टैक्स बचता है। ये कोई लीगल दायरे में नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत उसको मैं वायोलेट कर रहा हूं, लेकिन अभी किसी की नजर में नहीं आ रहा है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट खुद बहुत ही लूज फॉर्म में है उस चीज को लेकर। विच मीन्स आज हम जो भी इनकम कमाते हैं उस पर हमें क्या भरना होता है, जीएसटी। एक टैक्स अवॉइडेंस का खाली रास्ता बता रहा हूं, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं या हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। सो एज अ सीए आई नो वेयर ऑल कैन टैक्सेस बी सेव्ड, वेयर ऑल कैन टैक्सेस बी अवॉइडेड एंड वेयर ऑल कैन टैक्सेस बी इवेडेड। लेकिन इसका बिल्कुल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई संबंध जोड़ मत देना, यहाँ के सारे एग्जाम्पल्स काल्पनिक हैं, इनका किसी भी जीवित या मृत इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, एक रास्ता बताने जा रहा हूं। मान लो हमारी इनकम जो भी रिसीव होती है उस पे हमें जीएसटी तो पूरा भरना होता है 18%, लेकिन हम इसमें बिल्कुल ऐसा प्लान कर सकते हैं कि मैंने मान लो आपसे 10,000 रुपीज फीस वसूली, सपोज एग्जाम्पल है, काल्पनिक है। मैं ये 10,000 पूरी कोचिंग फीस नहीं दिखाता, 4,000 रुपीज का मैं इसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूं। अब मटेरियल है तो उस पे जो टैक्स है वो कम है, और जो कोचिंग फीस है उस पे टैक्सेस ज्यादा है, तो ऐसे करके मैं टैक्स बचा सकता हूं ना। मैं खाली अपना जो नॉर्मल मटेरियल है उसकी एमआरपी छाप दूंगा, पब्लिशिंग हाउस से ये सब करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ये कर लेता हूं तो मुझे उस पे खाली 5% भरना होगा, और जो मेरी कोचिंग सर्विसेज है उस पे 18% भरना होगा। अब कैलकुलेट करो, 10,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 18% कितना होता, 1,800 रुपीज मुझे भरना पड़ता। लेकिन अब 4,000 का 5% कितना, 200, और 6,000 का 18% कितना, जो भी आता है। अल्टीमेटली मैंने तो टैक्स बचा लिया ना, 1,800 रुपीज मुझे डायरेक्टली 10,000 पे करने थे 18%, जो मैंने पे नहीं किए। 4,000 पे मैंने 5% भरा और खाली 6,000 पे मैंने 18% भरा। तो ऐसे करके मैंने अभी टैक्स तो बचा लिया, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा कि ये हमारा सब किया धरा है, ये एक टैक्स बचाने का रास्ता हमने खुद बनाया है, तो गवर्नमेंट हमको छोड़ देगी, बोले वाह वाह क्या रास्ता बनाया जोरदार। नहीं, वो हमसे पूरा पैसा वसूलेगी। और इसीलिए अभी जो रास्ते खुले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जाना ही नहीं है, लेकिन अगर हम गए कुछ टैक्स बचाने के लिए तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, टैक्स अवॉइडेंस की कैटेगरी में आएगा। मतलब इनकम कहां पे कितनी रिपोर्ट होगी इस बात का कोई भरोसा नहीं है। सो हियर व्हेन यू आर ट्राइंग टू इवेड टैक्स, अवॉइड टैक्स, यू हैव टू अवॉइड अ पोर्शन ऑफ इनकम और द क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। सो इन दैट केस नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि सर्विस से इतना आया, गुड्स से इतना आया, एग्रीकल्चरल सेक्टर से इतना आया, सर्विस सेक्टर से इतना आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर से इतना आया। मान लो कि मैं एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल, मुझे मेरे हर एक इनकम पे 18% जीएसटी भरना है, लेकिन मैं अगर इसको एग्रीकल्चरल इनकम बता दूं तो कोई टैक्स नहीं भरना है, बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। सो दिस विल बी व्हाट, टैक्स अवॉइडेंस। जब तक बचे तब तक ठीक है, जिस दिन इनकम टैक्स वालों ने ये पूरा अरेंजमेंट जान लिया बुच्चे फिट हो जाएंगे, ठीक है। यू विल हैव टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस रिट्रोस्पेक्टिवली। ओके,
Now the third word, that is tax evasion. Evasion मतलब तो बेटा खुलेआम चोरी, which means आप मुझे फीस दोगे, मैं बदले में आपको रिसीट नहीं दूंगा। आप मुझे फीस किस में दे दोगे? कैश में। बहुत समझदार हो तुम, ठीक है, कैश में। चेक में दोगे तो मुझे रिसीट बकायदा बनानी पड़ेगी। अगर कैश में पैसा दे दिया और मैं इसका रिसीट ना दू तो वो इनकम तो कहीं पे रिपोर्ट ही नहीं हुई। मतलब खुलेआम दिन दहाड़े क्या हो रहा है? चोरी हो रही है। तौबा 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 तौबा, हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, हम तो ऑनेस्ट लोग हैं जैसा कि आप जानते हैं। सो थ्री वर्ड्स, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन में गए, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि इनकम कहीं ना कहीं रिपोर्ट नहीं हो रही है, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। जब ये इनकम है तो पूरे देश की इनकम भी बहुत कम लेवल पे चली जाएगी अगर सब लोग ये चीज करना शुरू कर देंगे तो, ठीक है, फाइन। अभी भी जो लोग कर रहे हैं उसमें इनकम छुपा ही रहे ना, सो वो इनकम जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो रिपोर्ट नहीं हुई, सो इट्स अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन, इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब एनी पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इन इवन वन लैंग्वेज। देख लो आप बेचारा स्क्रीन पे आपकी, इलिटरेसी इज अ लाइफ सेंटेंस, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। क्यों? बिकॉज इफ यू आर इलिटरेट यू कैन नॉट रीड द बुक्स, यू कैन नॉट रीड आर्टिकल्स, यू कैन नॉट गेन नॉलेज, यू कैन नॉट पास ऑन दैट नॉलेज टू योर किड्स। मतलब आप किसी के काम नहीं आओगे अगर आप इलिटरेट हो तो। इसका यह मतलब नहीं कि इलिटरेट लोग आर यूजलेस, वो इनकम नहीं कमाते। अरे वो लोग भी तो इनकम कमाते हैं ना, अंगूठा छाप लोग भी इनकम कमाते हैं, पानीपुरी की लारी लगा के, पाव भाजी की लारी लगा के, वड़ा पाव बेच के, और ये बहुत तगड़ी इनकम कमाते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं कर पाते। रिपोर्ट नहीं क्यों कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रीड द बुक। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना तो बहुत दूर की बात है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। तो इनकम टैक्स वो लोग कहां से भरेंगे, कैसे भरेंगे? इनकम टैक्स वालों को भी कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इनकम नहीं बता रहा, ये तो अंगूठा छाप है। लारी वाले को वैसे भी कोई ध्यान देता नहीं है, कोई भाव देता नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई लारी वाला जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है, इनकम टैक्स वाले वहां पे पहुंच ही जाते हैं। निजामपुरा में है ना अपना टेस्टी वड़ा पाव वाला, बताया था 75 लाख रुपीस कैश उसके यहां से मिला था, कैश। इतना साला हमारे पास नहीं है और वो वड़ा पाव वाले के पास मिला था। क्यों, कैसे मिला? क्योंकि वड़ा पाव बेच के इनकम जनरेट हुई है, वो इनकम रिपोर्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बेचारा रिपोर्ट करना जानता नहीं था। या तो उसने टैक्स इवेजन किया था, या तो वो इलिटरेट था, जिस कारण से वो ये चीज रिपोर्ट नहीं कर पाया। सो इलिटरेसी ऑल्सो लीड्स टू प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए फिर पॉइंट नंबर ई, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन। मतलब एक ही व्यक्ति दो या दो से ज्यादा ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है। देखने के लिए तो मैं आपके सामने हूं, टीचर हूं, क्या मालूम मैं रॉ का एजेंट भी हो सकता हूं, जेम्स बॉन्ड हो सकता हूं कि नहीं, और ये काम मैं सीक्रेटली करूंगा कि ओपनली बता के करूंगा। अरे सीक्रेटली करना पड़ेगा ना, रॉ का एजेंट है तो जब मैं अपनी रॉ का एजेंट की जो इनकम आ रही है वो नहीं दिखलाऊंगा, और मेरी टीचर वाली इनकम दिखाऊंगा तो को इनकम को तो मैंने छुपा है ना, क्योंकि एक प्रोफेशन मुझे दुनिया को दिखाना है और दूसरा प्रोफेशन मुझे दुनिया से छुपा के रखना है। सो इन दैट केस द प्रोफेशन दैट आई हाइड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड विल आई रिपोर्ट द इनकम इन द इनकम टैक्स एक्ट? नो, आई विल नॉट शो इट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज आई वॉन्ट टू हाइड दैट प्रोफेशन, हाइड दैट ऑक्यूपेशन। तो क्या मैंने सही किया? नहीं, गलत किया। इनकम कमा रहे हैं फिर भी रिपोर्ट नहीं करी तो दिक्कत तो होगी ना इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ऑन योर स्क्रीन देयर इज वन लेडी हु इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन डूइंग अ हाई प्रोफाइल जॉब, फाइन। शी गेट्स द सैलरी इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो वो रिपोर्ट होगा इन नेशनल इनकम। ऑन द अदर हैंड शी इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर,
she performs certain stage shows in marriages, in private parties, and she takes cash for that. तो क्या वो ये कैश रिपोर्ट करेगी? नहीं. उसे दुनिया को क्या दिखाना है कि मैं एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय हूं. उसे दुनिया को ये नहीं बताना कि उसमें डांस टैलेंट भी था या है. एंड इसीलिए ये इनकम वो छुपाएगी. सो इट विल लीड टू मिसकैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम. ठीक है. सो इतनी सारी डिफिकल्टीज हैं इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, और इसीलिए ये उसका सबसे बड़ा और पहला लिमिटेशन है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑन योर स्क्रीन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ओके, व्हाई डज इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड टू अ प्रॉब्लम इन नेशनल इनकम? सो सी द स्टेटमेंट, इफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज लेस देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, देन द डेवलपमेंट इज सेट टू बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. वैसे वर्षा मतलब इसका पूरा उल्टा. ठीक है, देखेंगे आगे. दस दिस इंडिकेटर इज नॉट अ परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो अंडरस्टैंड, आज नेशनल इनकम इतने अमाउंट से बढ़ी, इतनी सारी नोट्स आपके सामने हैं, इतने अमाउंट से बढ़ी. यही नेशनल इनकम जब कम लोगों में बटेगी, इतना अपना मान लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, मोर इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड लेस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम लोगों के बीच में बटेगा. इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वेरी गुड फॉर द नेशन. बट ऑन द अदर हैंड, इफ द नेशनल इनकम राइजेस बाय द सेम अमाउंट बट द पॉपुलेशन राइजेस बाय मोर देन प्रोपोर्शनेट, इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन. क्योंकि इंक्रीज इन इनकम जो है वो कम लोगों में नहीं बट रहा है, वो बहुत ज्यादा लोगों में बट रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल गो डाउन. सो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? पहला, नेशनल इनकम ग्रोथ इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ, देन ओनली देयर इज पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बिकॉज इंक्रीज इन नेशनल इनकम मतलब असेट का बढ़ना, और इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब लायबिलिटी का बढ़ना. असेट राइज इज मोर एंड लायबिलिटी राइज इज लेस, देन ओवरऑल इंपैक्ट इज गोइंग टू बी बेटर. So national income growth is more than population growth, then there is a positive economic development. And if national income growth is less than population growth, so national income growth was an asset, population growth was a liability. Asset mein growth kam, liability mein growth zyada, to kya hoga beta? Negative economic development hoga. And if both of them rise the same, to kahin pe koi farak nahi padega, na hi positive na hi negative, matlab जीरो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी कंट्री में होगा. क्योंकि जो भी इंक्रीज इन नेशनल इनकम हुआ वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन चाउ कर गया. ठीक है, फाइन. उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? सोचो, हम पहले पढ़ चुके हैं 11th में, तीन मेथड्स थे इफ यू रिमेंबर. कौन कौन से? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. ऑन योर स्क्रीन, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. साथ ही साथ स्क्रीन पे आप देख लो, व्हेन नेशनल इनकम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, व्हेन नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, द डेटा ऑफ नेशनल इनकम चेंजेस. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, दस इंटरनेशनल कंपेरिजन बिकम्स डिफिकल्ट. तो आप ही के सामने तीन मेथड है. प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या था? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशन मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था? इनकम अर्नड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड अर्न्स रेंट, लेबर अर्न्स वेजेस, कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट. एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर डन बाय द फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. कौन कौन से फोर सेक्टर्स थे? फैमिली, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. तो फैमिलीज क्या करेगी? कंजम्पशन. फर्म्स क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और फॉरेन सेक्टर क्या करेगा? नेट एक्सपोर्ट्स. ये सुनो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स बार याद आया, और ऊपर भी वो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था? आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी. थ्री मेथड्स हैविंग थ्री डिफरेंट फॉर्मूलाज. नाउ वी से दैट India as a developing country follows production method. China as a fast developing nation will focus on
income method. And Australia, as a developed nation, will focus on expenditure method. Teen countries, teen alag alag methods, teen alag alag formulas. So, in teenon ke beech mein comparison phir possible nahin ho paayega. और इसीलिए नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट अ प्रॉपर इंडिकेटर. इंडिकेटर वो जो खाली अपने देश के लिए नहीं पूरी दुनिया पे लागू कर सके और सभी उस इंडिकेटर्स का प्रयोग करके एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सके. यहां पर तो प्रोडक्शन मेथड का आंसर अलग, इनकम मेथड का आंसर अलग, एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर एकदम ही अलग हो जाएगा. तीनों को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे ड्यू टू इनइक्वालिटीज. Understood? So this is the problem of national income. So it is limitation number 3. ठीक है? तीन ही limitations हैं इसके. Fine. So now we proceed ahead. Growth rate of per capita income. National income में इतने सारे limitations थे. इसीलिए हमें एक और indicator पे जाना पड़ा. That is per capita income. Okay? Let us check. United Nations, UN. UNO, United Nations Organization, ने क्या किया? टिक मार्क मार दिया. किस पे? पर कैपिटा इनकम पे. UNO has recommended per capita income as an indicator of economic development, कि ये एक सही इंडिकेटर है. UNO भी ये रेकमेंड करता है. देखो, रेकमेंडेशन इज डिफरेंट एंड सर्टिफिकेशन इज डिफरेंट. रेकमेंडेशन आप हर उस चीज का कर सकते हैं जो किसी से बेटर है. इसका यह मतलब नहीं कि पर कैपिटा इनकम के कोई लिमिटेशंस नहीं है. उसके भी लिमिटेशंस होंगे. इकोनॉमिक्स में हर चीज का क्या होता है बेटा? अजम्पशन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, और एट द एंड क्या आता है? लिमिटेशन भी. चलिए, नाउ लॉट ऑफ इनकम इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज नेशनल इनकम. ओ माय गॉड, नेशनल इनकम इज नाउ डिवाइडेड बाय व्हाट? पॉपुलेशन. हाँ, तो क्या मिल जाएगा? पर कैपिटा इनकम. यही तो होता है. पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ऑन योर स्क्रीन थर्ड पॉइंट, इफ पर कैपिटा इनकम राइजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन विल इंप्रूव. क्योंकि पर पर्सन जो इनकम है अगर वो बढ़ेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? बढ़ेगा. व्हेन पर कैपिटा इनकम राइजेस फिजिकल वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल विल ऑल्सो इंप्रूव. फिजिकल वेलफेयर भी बढ़ेगा क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. सो जितना ज्यादा रुपया आपके पास होगा उतना ही ज्यादा आपका फिजिकल वेलफेयर इंप्रूव होगा. ठीक है, फाइन. उसके बाद, इफ पर कैपिटा इनकम राइजेस फास्टर, यू सी देयर इज फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब बड़ा राइज इन पर कैपिटा इनकम विल लीड टू बड़ा राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. है ना, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनेट. ठीक है, इफ पर कैपिटा इनकम राइज इज स्लोली, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई लेकिन कम अमाउंट से, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी राइज हुआ कम अमाउंट से. ठीक है, इफ पर कैपिटा इनकम रिमेन स्टैग्नेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन है. सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स द सेम, देन देयर इज नो राइज और फॉल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो एट द सेम लेवल. इफ पर कैपिटा इनकम फॉल्स, ओ माई गॉड, ये कब होगा? जब नेशनल इनकम में राइज कम होगा और पॉपुलेशन में राइज ज्यादा होगा, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा? फॉल होगा. और जब वो फॉल होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. सो इफ पर कैपिटा इनकम फॉल्स, देयर इज आल्सो अ फॉल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्लडी जस्ट नॉट टेकिंग प्लेस, इट इज इन फैक्ट गोइंग डाउन, मींस इट इज नेगेटिव. ठीक है, फाइन. अब इसका एक टेबुलर एक्सप्रेशन आएगा, पर कैपिटा इनकम. ओके, टेबल आएगा जो हमें लर्न करना है. जो टेक्निक्स हैं टेबल की वो आप साइड में पेंसिल से लिख सकते हैं. ठीक है, और उसमें भी जो कीवर्ड्स हैं खाली वो लिखेंगे तो भी चलेगा. टेबल आपको पूरा लिखना है. एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें टेबल विल बी अ पार्ट ऑफ दैट मेन आंसर. सो यू हैव टू लर्न इट. यू कैन लर्न इट इन योर ओन वे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. एक रास्ता जो हमने काफी सालों से अपनाया है, सारे रास्ते मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा. ये रास्ते क्या है? शॉर्टकट्स हैं, टेक्निक्स हैं टू लर्न. सो इफ कन्वीनियंट यू मे लर्न, इफ यू हैव योर ओन टेक्निक I will be more than happy. ठीक है,
चलिए टेबुलर एक्सप्रेशन, तो टेबल आपको लिखना है और राइट साइड पेंसिल में उसकी टेक्निक आपको लिख देनी है, ठीक है। टेक्निक इज जस्ट अ स्टोरी जो आपको खाली दिमाग में फिट करना है ताकि डेटा आप भूल ना जाओ, और कहीं भूल जाओ तो वो स्टोरी से वो डेटा याद आ जाए, ठीक है। लेट अस सी टेबुलर एक्सप्रेशन पर कैपिटा इनकम, तो क्या लिखा है, हमने पर कैपिटा इनकम को क्या किया, पाई स्कैन, पाई मालूम है ना, पाई, यस, और पाई को कहां डाला, स्कैन, स्कैन किया, स्कैनर में डाला। सो हमने पर कैपिटा इनकम को किया पाई स्कैन, पी आई एस सी ए एन, ओके। कंट्रीज एंड पर कैपिटा इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी, क्योंकि सारी पर कैपिटा इनकम किसमें एक्सप्रेस हुई है बेटा, डॉलर्स में एक्सप्रेस हुई है। डॉलर में एक्सप्रेस क्यों हुआ है, यूएस डॉलर, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल नेशन, तो उसी की चलती है। मतलब हमें हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम को किसमें कन्वर्ट करना है, यूएस डॉलर में, और ये कैसे होगा, एट परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब 20 रुपए का यहां पे एक बर्गर मिलता है, वही वहां एक डॉलर का मिलता है, तो $1 इक्वल्स टू 20 रुपीस, दैट्स द परचेजिंग पावर पैरिटी कंसेप्ट, ओके फाइन। सो पाई स्कैन, टेक्स्ट बुक से जो भी ऑर्डर्स हमारे टेबल में चेंज होते हैं ना, वो हमने जानबूझ के किए हैं, क्योंकि हमें या तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लर्न कर रहा है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। So whenever you people compare our table with the textbook, make sure that you don't see only the figures, you also see the countries जिसके सामने वो figure हमने लिखा हुआ है, ठीक है। So थोड़ा बहुत modification मैंने अपने हिसाब से किया है जो आपको learn करना है। चलिए पहला P, then I, then S, C, A and N, okay, pie scan, P for Pakistan, I for of course हमारा India, S for Srilanka, C for China, China, that A for America and N for Norway. So ये छह countries आपके सामने आ गए, pie scan, Pakistan, India, Sri Lanka, China, America, Norway. इनमें उनकी per capita income क्या क्या थी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पाकिस्तान, lowest, okay, we start from lowest. पाकिस्तान में क्या है, one fat lady was playing cricket, she hit 1-4 and 2 sixes, तो आपके सामने fat lady दिखी center में, और 4 कैसे मारा, ऐसा square cut मारा है देखो, और 6s कैसे मारे हैं, धोनी की तरह ऐसे helicopter shot में, ठीक है। So one fat lady is at the center, so one fat lady represented by 8, one fat lady मतलब 8, और उसने क्या किया, square cut में एक चौका मारा, तो 4 वापस स्क्वायर कट, 4 वापस स्क्वायर कट, 4, ओके। और धोनी की तरह 2 हेलीकॉप्टर शॉट से क्या हमारे लेग साइड पे 6s, 2 sixes, सो 2 6, तो हो गया 4 8 6 6 इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ, वन फैट लेडी हिट 1-4 एंड 2 sixes, 4 8 6 6, ओके। फिर इंडिया ने, इंडिया में खाए 4 पान, इंडिया में खाए हमने 4 पान। फिर आगे देखो क्या लिखा है, पान कौन हुआ तू, सौतन, सौतन समझ में आता है, नहीं कोई बात नहीं, पिक्चर देखो, इंडिया ने खाए 4 पान, पान कौन हुआ तू, सौतन, सौतन अब समझे, समझे ना, बीवी की कंपटीशन में, गर्लफ्रेंड की कंपटीशन में जो लड़की होती है उसे हम सौतन बोलते हैं, ठीक है। सो इंडिया में खाए 4 पान, बोलते रहो 4 पान 4 पान, 54 54 54, मतलब देखो स्क्रीन पे आ गया 54। हमारे जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये गुजराती नंबर्स थोड़े लर्न करने पड़ेंगे टू लर्न द डेटा, ठीक है, ये थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी जो गुजराती छे लोगों तो खबर अच्छे, गुजराती माँ 54 એટલે ઇંગ્લિશ માં 54, ફાઈન। પાન કોણ હોય તું, સૌતનુ, सौतनु, सौतनु, सत्ताणु, सत्ताणु, सत्ताणु मतलब 97, ओके। देन एस फॉर श्रीलंका, श्रीलंका में 2 नल्ले थे, 2 नल्लों के बीच में 2 लकी लोग थे, नल्ले नल्ले, नौवे नौवे,
और उनके बीच में क्या थे, दो लक्की लोग थे। देखो लकी नंबर 7, ठीक है, नल्ले मतलब नौ हुए, लक्की मतलब 7, 9, 7, 7, 9, दो नौओं के बीच में दो लक्की लोग। देन चाइना, तो है ही बेकार, चाइना के दिमाग के बच गए 12, दिमाग के बच गए 12। इंडिया में 500 की नोटबंदी से सेट ऑलिस, चाइना के दिमाग के 12 क्यों बच गए, क्योंकि इंडिया में 500 की नोटबंदी हुई, किसकी, 500 के नोट की, 500, 5, और उससे क्या हो गया, सेट ऑल इज, सेट ऑल इज, सेट ऑल इज, 47, 47, सो 1, 2, 5, 4, 7, ओके। देन अमेरिका नु फाइट टू 52, तो कौन बोला, नल्ला बोला, नल्ले ने बोला क्या, 47, 47, 47, 47। देन एन फॉर नॉर्वे, नॉर्वे को, नॉर्वे के दो नल्ले थे, कितने थे, दो नल्ले, जिन्होंने क्या पहना, चार शर्ट पहनी, जिन्होंने क्या पहना, चार शर्ट, नॉर्वे के दो नल्लों ने चार शर्ट पहनी, कितने नल्ले थे, दो, तो देखो स्क्रीन पे आया दो, क्या, लेकिन दो क्या, नल्ले, नल्ले, नल्ले मतलब नौवे, नौवे, और इसमें ऑर्डर उल्टा है, ये खाली आपको याद रखना है, क्या पहना, चार शर्ट, चार शर्ट, 64, 64, 64 मतलब 64, ठीक है। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं फटाफट, पाकिस्तान में वन फैट लेडी हिटिंग 1-4 एंड 2 6s, सो 8 स्क्वायर कट 4 एंड देन 2 6s। इंडिया में खाए 4 पान 4 पान 54, पान कौन हुआ तू, 97, 97। श्रीलंका में दो नल्लों के बीच में दो लक्की लोग, चाइना के दिमाग के बच गए 12, 12। इंडिया में 500 की नोट से सेट ऑल इज, 500 सेट ऑल इज, 47। अमेरिका नु फाइट टू, तो नल्ला क्या बोला, सेट ऑल इज। फिर नॉर्वे में कितने नल्ले थे, दो, तो दो, दो नल्लों ने चार शर्ट पहनी, दो नल्ले, नल्ले क्या पहना, चार शर्ट, 64, 64, 9, 9, 2, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम सब कंट्रीज के हमने देख ली, अब उसकी ग्रोथ रेट कितनी है हमें ये चेक करना है, ठीक है। चलिए टैबुलर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो रहा है और इसीलिए अपना नुस्खा है वो भी चेंज हो रहा है, अपना शॉर्टकट भी चेंज हो रहा है। हमने लिया पावर नैप, हमने लिया पावर नैप, क्यों पावर नैप लेना पड़ा, क्योंकि हम थे बीमार, वैसे भी खतरा काफी कायम है बाहर निकलो तो, सो हमने लिया पावर नैप बिकॉज वी वर सिक। सिक में आप खाली क्या लेंगे, SIC, और नैप हम पूरा लेंगे, ठीक है। चलिए सो क्या है कंट्रीज, देन कम्स ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम इन परसेंटेज, पावर नैप NAP, SIC, NAP, SIC, सो सीधी सी बात है, एन फॉर नॉर्वे, ए फॉर अमेरिका, पी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, ओके। अब आपको मेरे साथ एक गाना गाना है, ठीक है, एक और ग्यारह मूवी आई थी मालूम है, यस, संजय दत्त, गोविंदा, ओके, एक और ग्यारह, आगे है छक्के पे छक्का आला, एक और ग्यारह छक्के पे छक्का, सो एक और ग्यारह और छक्के पे छक्का, इसका हमारे डेटा के साथ क्या कनेक्शन है, लेट अस सी दैट। एक और ग्यारह, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली भी, छक्के पे छक्का आ गया, एक और ग्यारह छक्के पे छक्का, ठीक है फाइन। उसके बाद गाना थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, वो तो गाना सुना ही होगा आपने, ओरिजिनल माधुरी दीक्षित का था, 1, 2, 3 और उसका रीमेक बना भी है ना, यस, ये मैडम के साथ, कौन है ये, जैकलिन फर्नांडिस, राइट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपको 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, 1, 2, 3 वापस पुराना, छक्के पे छक्का, सो एक और ग्यारह छक्के पे छक्का,
एक दो तीन छक्के पे छक्का आ गया। अब ये सेकंड स्टेटमेंट का हमारा डेटा के साथ क्या संबंध है? एक तो था ही, अब दो तीन छक्के पे छक्का, ठीक है फाइन। एक बार फिर से यहां तक कर लेते हैं। एक और ग्यारह छक्के पे छक्का, एक और ग्यारह छक्के पे छक्का, एक दो तीन छक्के पे छक्का, एक दो तीन छक्के पे छक्का, ओके फाइन। छक्के से पहले आता है पंजा, छक्के से पहले आता है पंजा, तो छह के नीचे देखो फाइव, छक्के से पहले आता है पंजा, ओके। छक्के के बाद आता है सत्ता, चाइना में देखो छक्के के बाद आता है सत्ता, ये गाना हमने लोगों को सुनाया, माइक पे सुनाया देखो, ये गाना हमने लोगों को सुनाया, सुनाया का शून्य, ठीक है फाइन। अब ग्रोथ रेट इतना ज्यादा तो होगा नहीं, 11% 16%, इसलिए हर जगह बीच में क्या है, डेसिमल्स है, ओके फाइन। चलिए तो इसको एक बार फिर से जरा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं स्टार्टिंग से, ओके। पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट था वो क्या था, हमने लिया पावर नैप बिकॉज वी वर सिक, सो पावर नैप NAPSIC एन फॉर नॉर्वे, ए फॉर अमेरिका, पी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। एक और ग्यारह छक्के पे छक्का हो गया, एक और ग्यारह छक्के पे छक्का, एक दो तीन छक्के पे छक्का, छक्के से पहले आता है पंजा, छक्के के बाद आता है सत्ता, ये गाना हमने लोगों को सुनाया, और हर जगह बीच में डेसिमल्स, ठीक है अंडरस्टूड। अब जो टेक्निक्स हैं वो आपको पेंसिल में लिखनी है, और जो टेबल हैं वो आपको नोट्स में ही लिखने हैं। टेक्निक अगर आपको खुद की बनानी है तो भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाकी आप इसके साथ भी चल सकते हैं फाइन। सो दैट्स इट, वी एंड टुडे सेशन, तो बस फिर आज के लिए इतना ही, ओके बाय।